हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, आज मैं बता रही हूँ तल एवं धुरी या अक्ष के बारे में। ठीक है, तल यानी जिसे प्लेन कहते हैं, एन एक्सिस यानी धुरी यानी अक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अक्ष किसे कहते हैं। अक्ष यानी एक्सिस जो होता है वह एक काल्पनिक रेखा होता है जिसकी चारों ओर गति होती है। ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा होता है जिसकी चारों ओर गति होती है। एंड तल जो होता है वह सतह होता है जो अक्ष के लंबवत पाया जाता है। देखो, ध्यान ये रखना कि तल हमेशा जो है यानी प्लेन जो होता है वो एक्सिस यानी अक्ष के लंबवत पाया जाता है, जिससे शरीर में गति होती है। ठीक है, किससे गति होती है, जो तल होता है यानी प्लेन होता है वह सतह जो अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है, जिसे शरीर में क्या होती है, गति होती है। तो सबसे पहले मैं जानूंगी कि टाइप्स ऑफ प्लेन यानी तल कितने प्रकार के होते हैं। तल एंड यानी प्लेन एंड एक्सिस दोनों तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बताऊंगी प्लेन यानी तल कितने प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेजिटल प्लेन के बारे में। सेजिटल प्लेन को लेटरल एंड मीडियल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जरूर पूछा जाता है कि सेजिटल प्लेन को किस नाम से जाना जाता है एंड फ्रंटल प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है, या इस प्रकार से पूछ सकता है कि लेटरल प्लेन को और किस नाम से जाना जाता है। तो घुमा फिरा के ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप उसके और किस किस नाम से जाना जाता है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो सेजिटल प्लेन को लेटरल और मीडियल प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, सेजिटल प्लेन जो है शरीर को दाएं और बाएं भागों में बांटता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है, एंड इसमें गति जो होता है वो आगे पीछे होता है। ठीक है, ध्यान ये रखिएगा कि किस शरीर को किस भाग में बांटता है और गति कैसे होती है, किस भाग में होती है। तो ये शरीर को दाएं बाएं हिस्सों में बांटता है, वर्टिकल प्लेन के रूप में काम करता है। ठीक है, एंड गति जो होता है वो आगे पीछे होता है। गति कैसे होता है, आगे पीछे, शरीर को दो भाग में बांट दिया दाएं और बाएं, और गति कैसे होगा, आगे पीछे, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन गतियां जो होती है वो सेजिटल प्लेन में होती है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे कि नी यानी कि कोहनी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर का, कंधे का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप यानी कुल्हे का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एल्बो यानी कि कोहनी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये सब गतियां जो होती हैं वो हमारे सेजिटल प्लेन में होती हैं, यानी आगे पीछे गति होती है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो खेलों में इसका उदाहरण है रनिंग, जंपिंग। ठीक है, तो सेजिटल प्लेन में आपको क्या ध्यान में रखना है, इस शरीर को दाएं बाएं भाग में बांटता है, गति जो होती है आगे पीछे होता है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रकार की गतियां होती हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को क्रोनल या इंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, जो फ्रंटल प्लेन होता है शरीर को आगे और पीछे बांटता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है, यह भी एक वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इसकी गति जो होती है दाएं बाएं करता है, दाएं बाएं इसमें गति होती है, जैसे कि एबडक्शन एडक्शन, यानी शोल्डर, हिप, ट्रंक, नेक का एबडक्शन एडक्शन, ये सब गतियाँ फ्रंटल प्लेन में होती हैं, यानी ये शरीर को आगे पीछे बांटता है, गति दाएं बाएं होती है। जैसे कि आपने मैंने बताया कि सेजिटल में गति शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे होती है, उसी प्रकार फ्रंटल प्लेन में गति जो होती है, जो ये शरीर को बांटता है आगे पीछे दो भागों में, एंड गति जो होता है दाएं बाएं होता है। दाएं बाएं गति में एबडक्शन एडक्शन प्रकार की गतियाँ जो होती हैं वो फ्रंटल प्लेन में होती हैं, जैसे कि शोल्डर यानी कंधे का ऊपर उठना एबडक्शन, यानी कि शरीर से दूर जाना यानी कोर का बढ़ना एबडक्शन हुआ, और एडक्शन जो होता है
उस शरीर की जैसे कंधे के शरीर की तरफ आना या कोर का कम होना इटेशन हुआ। इन सब गतियों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जो हमारी कोड़ी गति होती है। तो पहले हम समझ लेते हैं, तो फ्रंटल प्लेन में जो हमारे शरीर को आगे पीछे भाग बांटता है एंड गति दाएं बाएं होती है, जैसे एप्रेक्शन एडक्शन प्रकार की गतियाँ, चाहे शोल्डर एडक्शन एडक्शन हो, हीप हो, ट्रंक यानी जीभ का हो, नीब नेक यानी गर्दन का हो, ठीक है। तो ये सब है। तो खेलों में इसका उदाहरण है कार्ट व्हील, स्टार जंप, साइड रन, ठीक। एंड अब मैं बात करूंगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी इसको ट्रांसवर्स प्लेन ही कहते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है ट्रांसवर्स प्लेन किसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को और किस और क्या कहा जाता है, तो ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, ठीक। और गति जो है ऊपर नीचे होती है, इसे ये तो जल्दी याद हो जाएगा। इस शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है, गति भी ऊपर नीचे होती है। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू सभी प्रकार की घूर्णी और चक्री गतियाँ जो होती हैं, यानी रोटेशन एंड एलिवेशन प्रकार की जो गतियाँ होती हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, ठीक है। जैसे कि इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन, इनवर्सन इवर्सन सुपिनेशन प्रोनेशन प्रोटेक्शन रिट्रैक्शन, जितनी प्रकार की गतियाँ हैं सर्कमडक्शन, ये सब जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि प्लेन के बारे में यानी तल के बारे में तीन प्रकार के बताया, सेजिटल फ्रंटल हॉरिजॉन्टल। सेजिटल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन प्रकार की गतियां होती हैं। और फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे बांटता है, गति दाएं बाएं होती है, ठीक है। और एब्डक्शन एडक्शन प्रकार की गतियाँ होती हैं। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में शरीर को ऊपर नीचे बांटता है, गति ही ऊपर नीचे होती है, और ये सभी प्रकार की घूर्णी या चक्री गतियाँ इसमें होती हैं। तो आपने ये तीनों प्लेन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक एग्जाम पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो जिस बिंदु पर तीनों प्लेन यानी तल मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, सीजी पॉइंट। सीजी का पॉइंट का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट, ठीक है, यानी गुरुत्वीय केंद्र, ठीक है। तो जिस बिंदु पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसे गुरुत्वीय केंद्र या सीजी पॉइंट या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैंने तो बात किया प्लेन के बारे में यानी तल के बारे में। अब बात करते हैं अक्ष यानी धुरी यानी एक्सिस के बारे में। तो मैंने क्या बताया था कि एक्सिस जो होता है, जो ये जो मैं प्लेन बताई, प्लेन हमेशा एक्सिस के लंबवत पाया जाता है। तो अब देखते हैं कि एक्सिस जो है ये भी तीन प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्सिस जो होता है वो एक काल्पनिक रेखा होता है जिसकी चारों ओर गति होती है। जैसे कि एग्जांपल थ्रू मैं बता रही हूँ कि जैसे कि मेरा जो आपका गर्दन है वो कैसे आगे पीछे घूमता है, चारों तरफ कैसे गति करता है, कैसे जो शरीर के सर्वाइकल बोन होती है, सबसे पहला गर्दन का बोन कौन है बताइए, एटलस। उसके बाद एक्सिस यानी अक्षक। तो एक्सिस जो है जो अक्षक होता है वो धुरी का यानी एक्सिस का काम करती है, जिसपे एटलस जो है सधा हुआ है, जिसके कारण एक्सिस पर सधे होने के कारण एक काल्पनिक रेखा मान लीजिए वो हो गया एक्सिस, तो उसी पर सधे होने के कारण हमारे जो गर्दन होता है चारों तरफ गति करता है, ठीक है, ठीक है। एंड एक क्या समझे कि एक एक्सिस जो होता है काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है, ठीक है। और जब फिक्स पॉइंट हो जाता है तो उसी को लीवर कहते हैं, यानी जिस अक्ष में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स बिंदु होता है, उसी को लीवर कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। तो हमारा जो एक्सिस होता है, एक्सिस में तीन प्रकार की गतियां होती हैं, जैसे कि यूनिएक्सियल प्रकार की, बायएक्सियल प्रकार की, मल्टीएक्सियल प्रकार की। यूनिएक्सियल प्रकार यानी कि यूनि मतलब एक होता है, तो यूनिएक्सियल मतलब जहाँ एक अक्ष में गति हो उसे यूनिएक्सियल गति कहते हैं। जैसे कि एंकल ज्वाइंट हमारे टखने का जुड़ हो गया, वो एक अक्ष में गति करती है, ठीक है, पैर के टखने का जो ज्वाइंट हो गया वो एक अक्ष में गति करती है। एंड बायएक्सियल प्रकार की गति जैसे कि दो अक्ष में गति, ठीक है, जैसे हमारे कलाई का जोड़ हो गया, ये आगे पीछे ऐसे जा रही है, अपने आप से देख सकते हैं ये दो अक्ष में गति कर रही है,
मल्टी एक्सियल प्रकार की गति यानी तीन अक्ष में गति यानी तीन एक्सिस में गति होती है, जैसे कि हमारा हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट हो गया, ये तीन से अधिक अक्ष में गति कर सकते हैं, जैसे चारों ओर रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब तो जान लिए कि धुरी जो एक्सिस होता है तीन प्रकार से गति करती है और ये कितने प्रकार की होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्सिस जो होता है दो प्लेन के काटने से बनता है। कैसे बनता है? दो प्लेन को काटेगी तब ये एक्सिस बनता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। ठीक है, ये अक्ष भी यानी एक्सिस भी तीन प्रकार का होता है, फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। तो फ्रंटल एक्सिस जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एंड इसमें ये ध्यान रखना है कि जो फ्रंटल एक्सिस है वो सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है। किसके लंबवत होता है? सेजिटल प्लेन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। दोस्तों एक बात बता रही हूँ कि फ्रंटल और सेजिटल एक्सिस को दोनों को विपरीत समझ करके आप याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। जैसे कि फ्रंटल एक्सिस सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है और सेजिटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है। ठीक है, इतना आपको गहराई से समझना होगा। तो फ्रंटल एक्सिस जो होता है जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, ये सेजिटल प्लेन के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एंड और इसमें गतियाँ वही होगी जो सेजिटल प्लेन के में होती है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सेजिटल प्लेन में मैंने क्या बताया था कौन सी गति होती है, आगे पीछे की गति होती है यानी फ्लेक्शन एक्सट्रैक्शन प्रकार के जो मूवमेंट होता है वो फ्रंटल एक्सिस में होता है। ठीक ना, फ्रंटल एक्सिस में वही गतियाँ होंगी जो सेजिटल प्लेन में होंगी। ठीक, एंड अब बात करते हैं सेजिटल एक्सिस की। जो सेजिटल एक्सिस है उसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, और ये सेजिटल एक्सिस जो होता है फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, किसके जस्ट उल्टा, फ्रंटल सेजिटल के प्लेन के लंबवत और सेजिटल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के लंबवत। ठीक, और इसमें गतियाँ वही होंगी जो फ्रंटल प्लेन के लंब में होती है। सेजिटल एक्सिस में कौन सी गति होंगी? जो फ्रंटल प्लेन में होती है, क्योंकि फ्रंटल प्लेन के लंबवत है। ठीक है, तो नोट्स जितने भी साइड बेंडिंग के हैं, कमर या सिर की एब्डक्शन एडक्शन प्रकार की जो गतियाँ हैं वो इसमें सेजिटल एक्सिस में होंगी। ठीक है, क्योंकि फ्रंटल प्लेन के लंबवत है इसलिए फ्रंटल प्लेन में जो गतियाँ होंगी वो इसमें होंगी। ठीक है, एंड तीसरा है वर्टिकल एक्सिस यानी इसको हॉरिजेंटल प्लेन के लंबवत होता है। ठीक है, इसे क्या है वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजेंटल प्लेन के लंबवत होता है। तो दोस्तों ये था प्लेन एंड एक्सिस के बारे में। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को दो तीन बार देखने पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको थोड़ा डिफिकल्ट है और आपको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा और समझ जाएंगे। बस जैसे मैंने बताया है उसी तरह आप ध्यान में रखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये नॉलेज पहुँच सके। एंड यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।